हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी लौकी के स्वादिष्ट लड्डू। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और ये खास बात इसमें यह है कि ये हेल्दी भी होते हैं। तो इस दिवाली फ्रेंड्स, आप इसे अपने घर पे जरूर बना के ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये 500 ग्राम लौकी ली थी। इसे मैंने धो के छील के और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया था मैंने। और हमें लौकी के बीच वाले पार्ट को कद्दूकस नहीं करना, इसे किनारे किनारे वाले पार्ट को हमें कद्दूकस करना था। तो देखिए, मैंने ये कद्दूकस करके रख लिया है। और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और साथ में मैंने ये 100 ग्राम खोआ लिया है और ये 1 चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर है, ये 1 कटोरी नारियल का बुरादा है और ये 1 बड़े चम्मच देसी घी है। साथ में मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और साथ में 1 पिंच ये फूड कलर है, ग्रीन फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। अब सबसे पहले हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें देसी घी डाल के इसको मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें अपनी कद्दूकस की हुई लौकी को डाल देंगे और इसे 4-5 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। तो देखिए, 4-5 मिनट हो चुके हैं लौकी को चलाते हुए और लौकी हमारी लगभग थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे चीनी डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे जितना मीठा पसंद था तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग चीनी डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लौकी में। गैस की फ्लेम को हम मीडियम करेंगे अभी। इसे देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है और चीनी अभी अपना पानी भी छोड़ेगी। तो देखिए, चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसे हम तब तक पकाएंगे चलाते हुए जब तक कि चीनी का सारी पानी ना सूख जाए। इसका पूरा पानी हमें सुखा लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए, इसका पानी पूरा सूख चुका है। और अब इसमें हम फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस फूड कलर डालने से ऐसा होता है कि लड्डू देखने में थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने फूड कलर डाला है। और उसे हम अच्छे से लौकी में मिक्स कर लेंगे जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम खोआ डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे हम। तो देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे चला लेंगे। फिर इसके बाद हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर इसे मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे हम, इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे हम। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये पैन ना छोड़ना शुरू कर दे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे और थोड़ा सा नारियल का बुरादा बचा लेंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये मिश्रण ने हमारा पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए, मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब इसे 5 मिनट हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट बाद मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथों पर हम थोड़ा सा घी लगा के चिकना कर लेंगे हाथों को। अब थोड़ा सा पार्ट लेंगे हम मिश्रण का, उसे हल्के हाथों से रोल करेंगे हम। इससे हमें लड्डू का शेप देना है। देखिए, मैं कैसे बना रही हूँ। देखिए, लड्डू बन गया है। अब इसे हम नारियल के बुरादे में कोट करेंगे चारों तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक लड्डू रेडी हो गया है। अब बाकी के लड्डू भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी के लड्डू भी बना लिए हैं और ये देखने में कितने ही यम्मी लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इस दिवाली फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर घर पे बना के ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।